पहुंची गली में। साथियों, जब मानसून लेट होता है तो मुंबई में पानी की कटौती हो जाती है, ठीक है। वो अभी पिछले कई हफ्तों से मुंबई में मूसलाधार बारिश चल रही है और मुंबई में 10% पानी की कटौती है। मैंने देखा कि स्लम में गरीब लोग यहाँ रहते हैं, वहाँ पर डे पर पर्सन है, हर दिन हर आदमी को जो है 45 लीटर पानी के हिसाब से पानी सप्लाई किया जाता है। उसी हिसाब से पानी एरिया कैलकुलेशन होता है, उसी हिसाब से पानी मिलता है। लेकिन जो बिल्डिंगों में लोग रहते हैं वहाँ पर पर्सन पर डे एक आदमी को 135 लीटर पानी दिया जाता है। इतना ज्यादा अन्याय, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अमीर और गरीब के बीच में सरकार बनाने में सबसे ज्यादा वोट देने में गरीबों का हक रहता है, लेकिन ये जो है सरकार इस तरह का काम कर रही है। मैं समझता हूं कि कटौती कम होना चाहिए। अगर 10% कटौती 135 लीटर वाले को हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 45 लीटर को जिसको मिलता है अगर उसकी 10% कटौती हो जाएगी तो उसको बहुत फर्क पड़ता है। एक दिन पानी नहीं आया तो कितनी प्रॉब्लम होती है। मैक्सिमम बिल्डिंगों में आजकल स्विमिंग पूल है, होटलों में स्विमिंग पूल तो ही है। आजकल जो नई बिल्डिंग बनती है उसमें स्विमिंग पूल में पानी दिया जा सकता है, क्योंकि कितना लीटर पानी लगता है। जब ऐसा समय आया तो सारे स्विमिंग पूल को बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो नहीं बंद करेंगे क्योंकि वहां बड़े लोग जाते हैं, वहां गरीब नहीं जाता है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। दूसरी, प्लम जो गरीब लोग अपने घरों में कनेक्शन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन, हर घर में जल, हर घर में पानी, अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन गरीबों के पास पैसा नहीं है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, बेचारों के पास खाने को पैसे नहीं है, वो कहां से पानी, कैसे पानी लाए। तो उनको जो है प्लम्बर माफिया और कारपोरेशन के अधिकारी मिल करके उनको इतना उनको परेशान करते हैं कि इतने पैसे लेते हैं लोग। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मिनिमम वो बहुत ही जरूरी हो ऐसी फीस वाले प्लम्बर को तय किया जाए, दूसरा कोई प्लम्बर वहां काम ना करने पाए और इन सबके घर में किसी न किसी तरह से, या सरकार दे दे एमएलए फंड से अगर हम दे सकते हैं पाइप तो बता दो, हम सब लोग जाके गरीबों के पाइप लगा देते हैं कि भाई मेरे फंड से हम लोग जो है आपको पाइप देते हैं, सबके घर में कनेक्शन हो जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर सूरज और हवा पर भी कोई अधिकार होता सरकारों का तो शायद गरीबों के लिए कम सूरज कम हवा, अमीरों के लिए ज्यादा सूरज ज्यादा होती। धन्यवाद, शुक्रिया।